Once again, we are at Bike Shark Shop. Hello, champions. Welcome to my channel, Praveen Horizon. यहाँ आते ही जो न्यू बाइक्स की स्मेल होती है, अगर मुझे ऐसा कोई परफ्यूम मिल जाए जिस परफ्यूम से या बॉडी स्प्रे से ऐसा न्यू बाइक का स्मेल आए, मतलब वो परफ्यूम मैं जरूर लूंगा। और यहाँ पे आते ही मेरे चेहरे पे जो एक ग्लो आ जाता है, कोई भी फेस वॉश या कोई भी सोप हो वो नहीं ला सकता। मतलब इट इज समथिंग लाइक बहुत ही फनी जोक किया मैंने, बट आई एम वेरी मच हैप्पी। और आज यहाँ पे मैं आया हूँ अनदर साइकिलिंग प्रोडक्ट के लिए जो मैंने बहुत दिनों पहले बुक किया था। So, without wasting any time, सद्दा मेरा प्रोडक्ट आ गया, most awaited product. आ गया है. अच्छा, आ गया है और यहाँ पे रखा हुआ है। My God, this is the entire box. और guys, आप box पे देख ही सकते हो, लिखा हुआ है Muckoff Pressure Washer. Yes, correct. मतलब किसी भी सीजन में आपको साइकिल धोने की उतनी जरूरत नहीं लगती है, but right now यू नो दैट मानसून चालू है और मानसून में हर एक राइड के बाद आपको अपनी साइकिल क्लीन करनी पड़ती है। और अगर आपके पास साइकिल स्पेसिफिक वॉशर हो तो आई एम श्योर कि सॉर्ट आउट हो जाता है सब। क्योंकि अगर आप बाहर भी कार वॉशिंग सेंटर में भी अगर साइकिल लेके जाते हो धोने के लिए, तो वो आराम से खाली स्प्रे करने का 50 रुपीज़ ले लेगा। अगर आप सोप वॉश करोगे तो 80 रुपीज़, और डीजल वॉश भी कर लोगे तो 100 रुपीज़ तो कम से कम जाते ही है। सो वाई नॉट कि ऐसा एक प्रोडक्ट, ट्रस्टेड प्रोडक्ट आपके पास हो तो बहुत कन्वीनियंस हो जाता है साइकिल वॉशिंग के लिए। सेकेंडली, बहुत सारा डिस्प्यूट हो सकता है कि वाई Muckoff, वाई इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स और वाई सच एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मतलब क्योंकि मैंने भी कुछ मेरे साइकिलिंग फ्रेंड से डिस्कस किया कि मैंने Muckoff का वॉशर लिया हुआ है, तो पहला उनका एक्सप्रेशन या फीडबैक यही था कि प्रवीण, अरे बहुत सारे मोटर्स आ जाता है जो प्रेशर पाइप को ज्वाइन करके धो सकते हो साइकिल, वो 5000 से लेके 8000 तक बॉश का भी आता है, देन वाई Muckoff। देखो, मैं फिर से एक बार कहूंगा, साइकिल दो टाइप की होती है, इंडियन साइकिल्स, इंटरनेशनल साइकिल्स। कौन सा ब्रांड चूज करोगे आप? ठीक है, इंडियन साइकिल या अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट करने चाहिए, बट व्हेन यू आर इनटू अ कॉम्पिटिटिव साइकिलिंग या आपको थोड़ा आपका बार रेस करना है टुवर्ड्स द परफॉर्मेंस, तो आपका मशीन भी उतना ही हाई एंड होना ही चाहिए। तो लोग इंटरनेशनल प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं और वो उनको सर्टनली गुड क्वालिटी देता है। ओनली थिंग इज दैट जब ये इंपोर्ट होते हैं, थोड़ा सा इंपोर्ट ड्यूटी उसके ऊपर बैठ जाता है तो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। बट विदाउट वेस्टिंग टाइम अभी हम अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि ये बॉक्स में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं ये वॉशर के साथ। अगर आपको लेना हो तो आप फिर से बाइक शार्क आ सकते हो। यू कैन ऑलवेज गिव माई रेफरेंस कि मैंने प्रवीण होराइजन का वीडियो देखा था, सो यू विल गेट गुड डील। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, यस, वो ऊपर रख दो और हम अनबॉक्सिंग करते हैं, विच इज मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग इन माई लाइफ। वन सेक। और मुझे अभी उस दिन की याद आ रही है, मतलब मैं नॉस्टैल्जिक हो रहा हूं वाइल कटिंग। मुझे वो भी फील आ रहा है कि जब साइकिल भी मेरी आई थी ये शॉप में, तो वो टाइम पे भी हमने अनबॉक्सिंग किया था। सो दिस इज ऑलमोस्ट अ सेकेंड टाइम, मतलब छोटे मोटे प्रोडक्ट्स में लेते रहता हूँ, बट समथिंग लाइक कि बॉक्स प्रोडक्ट ये आप सेकेंड टाइम बोल सकते हो। और देखते हैं कि बॉक्स में क्या है। वाओ, ये पहला पैकिंग हो गया और इसके अंदर और एक पैकिंग है जो कि Muckoff का ऑफिशियल बॉक्स रहेगा। और मुझे लग रहा है ये बॉक्स में फेंकूंगा नहीं या कहीं पे दूंगा नहीं, मतलब शायद रख दूंगा घर पे। तो सद्दा, मुझे तुम्हारा हेल्प लगेगा थोड़ा। या प्लीज। काफी ज्यादा पैकिंग था, बॉक्स थोड़ा सा खुल गया है, बट नेवरदलेस क्योंकि प्रोडक्ट से इतने भरे हुए हैं। पहला जो हमने निकाला ये है माइक्रोफाइबर क्लोथ्स, जो आफ्टर बाइक वॉश पोंछने के लिए बहुत ही ज्यादा काम में आएगा, जिससे स्क्रैच भी नहीं आएंगे आपके बाइक के ऊपर। ऐसा माइक्रो फाइबर क्लोथ मिल भी जाएगा मार्केट में, बट दिस इज समथिंग सुपीरियर क्वालिटी, Muckoff का ब्रांडिंग में मिल जाएगा इसके ऊपर आपको। देन आपको मिलेंगे, ये क्या है, ये है बाइक प्रोटेक्ट, जो कि ऑलरेडी मैंने सेपरेटली लिया हुआ था। आप यहां पर देख सकते हो बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, ये मेरे पास ऑलरेडी था, पर ठीक है, आपको वॉश करने के बाद जो प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी ये पैकेज में इंक्लूड किए गए हैं। ओके, देन ये आएगा आपका क्लीनर, ये सोप आपको मिल जाएगा, दिस इज अ वन कंटेनर, और ये भी क्लीनर ही है, बट ये अटैचमेंट है आई गेस, ये नीचे अटैचमेंट के लिए लगेगा, ये दूसरा कंटेनर है स्पेसिफिक। ओके, सो दो बॉटल मिल गई क्लीनर की। देन आपको मिल जाएगा एक
गन जिसको सारी अटैचमेंट्स आगे आप लगाओगे। देन क्या है अंदर, वहां पर बहुत कुछ है यार, कितना मतलब वीडियो थोड़ा लंबा बनने वाला है, बट आप सारा वीडियो देख लेना। ये है आपके एक्सटेंशन ट्यूब, वाटर ट्यूब, जहां से आपको बकेट में डाल के पानी आपका खींच लेगा। ये है, ये क्या है, इसके अटैचमेंट है, ये भी अटैचमेंट है, बट देखना पड़ेगा कि ये क्या अटैचमेंट्स है, फिलहाल के लिए साइड में रख देते हैं। ओके, ये साइड से क्लियर कर लेते हैं पहले। ये है बैग, ओ ये है वाटरप्रूफ बैग। व्हाट अ यूनिक कॉन्सेप्ट कि अगर आपको आपके वॉशर, आप डेस्टिनेशन राइड पे जा रहे हो, तो अगर आपको वॉशर आपके साथ लेके जाना है और उसको ज्यादा सिक्योर रखना है, मतलब इसमें ये पानी के रिलेटेड ही प्रोडक्ट है, बट अगर एक्सटर्नल वाटर से आपको सिक्योर रखना है और जो भी डस्ट है या खराब होने से बचाना है, तो ये बैग बहुत काम में आएगा, विच इज आई एम वेरी मच इम्प्रेस विद दिस एडिशनल वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो उसके साथ इंक्लूड किया गया है। थोड़ा अटैचमेंट्स पहले निकाल लेते क्या क्या है। ये सब हैंडल है। अच्छा ओके, ये हैंडल है, और जो मैंने बोला था कि ये सोप कंटेनर है, उसका जो ऊपर का नोजल है, ये नोजल है, अंदर डाल के इसके ऊपर बिठाना है और यहां से स्प्रे हो सकता है। सो दिस इज फॉर स्पेसिफिकली फोम जनरेशन। ये हैंडल है, हैंडल उसको अटैच करना पड़ेगा। सो दिस इज द हैंडल, और ये सारे फिर आगे के गन के अटैचमेंट्स है। जो हमने गन देखी यहाँ पे, वो भी हम थोड़ा सा प्लास्टिक निकाल के एक बार दिखा देता हूँ आपको क्या है, बट यहाँ पे फिलहाल के लिए रख देते हैं। अच्छा ये सॉरी, ये क्या, ये मोटरसाइकिल, ये बाइसिकल के लिए है, ये बाइसिकल के लिए है, और उसने एक मोटरसाइकिल के लिए, मोटरसाइकिल के लिए। सो दिस इज द यूजेबिलिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट की खाली बाइक स्पेसिफिक तो नोजल्स है ही, इसको गन को लगाने के लिए अटैचमेंट्स है, बट आप बाइक या कार वॉश करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। और ये लास्ट मशीन, ये मशीन भाई, दिस इज द अल्टीमेट, दिस इज द एक्चुअल हार्ट ऑफ दिस एंटायर, क्या बोलू मैं, मकऑफ प्रोडक्ट। ये आपकी बहुत काम की चीज है, और इसके लिए वो स्पेसिफिक बैग दिया गया है आपको। ओके, दिस इज द प्रोडक्ट सुपीरियर, इसका इलेक्ट्रिक वायर और कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, वो है कुछ मैनुअल्स और वारंटी कार्ड रहेगा। धीरेन से मैं पूछ लूंगा कि अगर 2 साल की, मतलब जब मैंने प्रोडक्ट ये परचेस किया था, तो धीरेन ने बोला था कि 2 साल की वारंटी है इस पर, तो शायद स्टैम्प या कुछ लगाना पड़ेगा इसके ऊपर। सो ये मैनुअल्स रख देते हैं, वैसे भी मैनुअल्स आज के दिन में कोई नहीं पढ़ता है, सब इनफ इंटेलिजेंट हो गए हैं, बिना मैनुअल के सब कुछ चला लेते हैं। एंड व्हाट आई एम सीइंग हियर कि मोस्टली बॉक्स जितना बाहर से ब्रांडिंग हुई जाती है बॉक्स पे, आप देख सकते हो, उतनी अंदर से उन्होंने ब्रांडिंग की हुई है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये बॉक्स शायद ही मैं स्क्रैप में निकालूं, और ये अगर मैं पूरा इसका बॉक्स खोल भी दूं, तो ये मुझे कहीं वॉलपेपर लगाने के लिए भी, बैकग्राउंड के लिए अच्छा रहेगा। क्या सिद्धांत, करेक्ट, लगा सकते हैं ना, एक साइकिल इसके लिए और क्या चाहिए, मतलब बॉक्स भी यूज में आ रहा है ये प्रोडक्ट का। एनीवेज ये देखो, ये पूरा खुल गया है, ठीक है खोल ही देते, लेट्स सी, नीचे रख दो, टाइल्स बन गया, ये तो टाइल्स बन गया, और सब यहाँ पे आप देख सकते हो। व्हाट अ यूनिक कॉन्सेप्ट, मतलब ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा। और ये बॉक्स के बाहर के साइड एक बार देख लेते क्या इन्फॉर्मेशन दी है। जैसे मैंने बताया कि ये सारा आपका गन, आपका एक्सटेंशन पाइप, ये सारे नोजल्स, बाइक स्पेसिफिक नोजल्स, ये बैग ऐसा कुछ दिखेगा आपको खोलने के बाद, आगे का वीडियो तो बनता ही रहेगा, बट दिस इज अ इनिशियली पिक्चर ऑफ दिस। ये आपका फोम क्रिएटर, ये लिखा हुआ मकऑफ बाइक स्पेसिफिक प्रेशर वॉशर, यहाँ पे वॉशर दिया हुआ है, और थोड़े कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। वेट है 11.345 kg। ओके, और तो कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, मुझे लगा है, लग रहा है कि मैनुअल में दिया होगा कि आप कैसे यूज कर सकते हो। ओके, MTB मोटो, मतलब ये गाड़ी का हो गया, गाड़ी का मोटो मतलब आपकी बाइक हो गई, ये आपका साइकिल हो गया, एंड रोड बाइक के लिए हो गया, तो तीनों टाइप के लिए आप यूज कर सकते हो।
हैंडल बार असेंबल करना पड़ता है जो अलग पैकेजिंग में दिया हुआ है। यहाँ पे साइड में गन होल्डिंग के लिए एक फिर से होल्डिंग ब्रैकेट दिया हुआ है और यहाँ पे नोजल स्पेसिफिक करने के लिए एक दिया हुआ है। ये स्क्रू से अटैच नहीं हो रहा है, ये डायरेक्टली पुश करने के बाद यहाँ पे अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे आप गन के जो भी पार्ट्स हैं वो यहाँ पे अटैच कर सकते हो ऐसा। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट प्रोडक्ट, आप देख सकते हो काफी दिमाग लगा के बनाया हुआ है। आई एम श्योर आई एम गोइंग टू यूज दिस प्रोडक्ट ऑन वेरी एक्सटेंसिव वे। मॉनसून में तो ये प्रोडक्ट बहुत ही काम में आने वाला है अभी मुझे, और आई एम श्योर कि जो भी मनी मैंने स्पेंड किया ये प्रोडक्ट के ऊपर, मॉक ऑफ के ऊपर, बेसिकली इट इज वैल्यू फॉर मनी। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, साइकिलिंग प्रोडक्ट एक्सपेंसिव आते हैं। इफ यू वॉन्ट क्वालिटी एंड उसका जो मैकेनिज्म है वो हाई एंड चाहिए तो आपको थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ेगा, वो एक्सपेंसिव हो जाता है प्रोडक्ट। वैल्यू फॉर बजट एट भी प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी और उसका परफॉर्मेंस भी वैसे ही रहेगा। तो ये पूरा कंप्लीट बैग जिसमें ये प्रोडक्ट रहेगा। ओके, और ये जो मैंने बोला था कि ये मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या है, तो ये बैग के नीचे जाएगा ताकि बेस आपका थोड़ा बना रहे और जिसके ऊपर वॉशर आप रख पाओगे। यस सद्दाम, वेरी नाइस। चलो थैंक यू सद्दाम फॉर हेल्पिंग अस। एंड मेरे साथ अभी धीरेन, जैसे मैंने बोला था धीरेन बाद में आ गया तो जरूर बात कर लेंगे। सो धीरेन थैंक्स फॉर वंस अगेन अरेंजिंग दिस ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। मतलब बहुत दिन से मैं थोड़ा चेस कर रहा था, प्रोडक्ट का थोड़ा सा शॉर्टेज भी था जब मैंने अरुण से बात की थी, बट साइकिलिस्ट की नीड ये बाइक शार्प ध्यान में रखता है और अटेंटिव होता है वो रिक्वायरमेंट के लिए, और वो प्रोडक्ट वैसे ही जैसे ही डीलर के पास आते हैं तुरंत वो मंगवा लेते हैं अपने साइकिलिस्ट के लिए, एटलीस्ट विद इन द विसिनिटी। बाकी के साइकिलिस्ट को भी आप आओगे तो वो मिल जाएगा, बट विसिनिटी के लिए ऑलवेज प्रायोरिटी जो मिल जाता है। सो थैंक यू सो मच धीरेन। या और वंस अगेन अगर मेरा नाम लेके आते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा। धीरेन ट्राइंग हिज बेस्ट टू गिव यू एनी साइकिलिस्ट एनी डिस्काउंट अगर उसके ऊपर बनता है तो। ऐसा नहीं है कि बिजनेस तो होना ही चाहिए, बट डिस्काउंट भी आपको मिल ही जाएगा, आपका भी ध्यान रखा जाएगा। सो थैंक यू। व्हाट इज यूजफुल इन्फॉर्मेशन हियर इज कि ये दोनों भी फोम क्रिएटर के क्लीनर है, मकॉफ का बाइक क्लीनर है। ओके, जो कि फोम क्रिएट करता है, बट यहाँ पे दो बॉटल्स है। सो मे बी आपको लगेगा दोनों सेम ही है, बट वॉट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइटेड बाई धीरेन कि ये कॉन्सेंट्रेटर है। यहाँ पे एक का 4 लीटर, एक का 4 लीटर बन सकता है। मतलब यहाँ पे मेजरमेंट भी दिया हुआ है साइड में। धीरेन कहाँ पे दिखाया था वो? ये साइड में, करेक्ट। यहाँ पे है 250, 500, 701 लीटर, करेक्ट। तो इतना इसका कॉन्सेंट्रेटेड ये लेके उसके ऊपर वाटर मिक्स करना है तब जाके आपका ऐसा क्लीनर बनेगा। सो दिस इज द एक्चुअल फाइनल प्रोडक्ट एंड दिस इज अ कॉन्सेंट्रेटर। इंडिविजुअली जब लोग ये लेते हैं ना इंडिविजुअली, तो उनको साथ में ये मिलता है ब्रश स्प्रे करने के लिए, स्प्रे करने के लिए। एक बार ये जब खत्म होता है तो तब लोग सिर्फ इसको एक बार रिफिल करते हैं। ओके, मतलब पैकेजिंग सेव करने के लिए। ओके, चलो नाइस, थैंक यू सो मच।